नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विलेज एरिया फार्मिंग। दोस्तों, इस तालाब में जो है पंगेसियस मछली का पालन किया गया है। अभी हम वीडियो के आगे में जो है आपको दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा दाना देके मछलियां आएंगी और इसका हम डायमेंशन बताने जा रहे हैं। ये जो है 60 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा ये तालाब है। और ये जो है मछली जब इसमें बच्चा डाला गया था तो ये जो है ठंड के दिनों में जो है सरवाइव करते हुए जो है अभी इसमें जो है 600 ग्राम 700 800 1 केजी तक मछलियां हो गई हैं। और इसका ही वीडियो जो है हार्वेस्टिंग का हम नेक्स्ट वाले में लाने वाले हैं और आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे कि कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो प्लीज़ जो भाई लोग नए आए हों चैनल पर, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखा सकें। तो ये देखिए, ये 4 mm का फीड है जिसको इसको खिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये 4 mm का फीड जो है ऐसे ही फेंक के इसको दिया जा रहा है और इसका हार्वेस्टिंग का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर जो है शूट करके आपको दिखाएंगे और पूरा बताएंगे कि कितना इसमें फ़ायदा हुआ है, क्या क्या इसमें लागत आई है, दाने में कितना खर्च है, कितना बच्चा खरीदने में खर्च आया है, पूरा एक्स वाई जेड जितना भी रहेगा एनालिसिस करके आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। आप लाइव देख पा रहे होंगे जो दाना फेंका जा रहा है तो ये बड़े अच्छे ढंग से उठा रही हैं मछलियाँ, क्योंकि इसमें जो है जितना हमने डायमेंशन बताया इसमें जो है 5000 पंगेसियस मछली के बच्चे डाले हुए हैं और ये पिछले साल बच्चा डाला हुआ था जो कि 16 का था। अब ये इनका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है क्योंकि ठंड में सर्वाइव नहीं करती हैं मछलियाँ पंगेसियस, लेकिन ये बहुत मेहनत करके जो है इसको सर्वाइव कराए हुए हैं जो कि इनका अच्छा खासा रेट अभी इस टाइम पे मिल जाएगा और फ़ायदा भी होगा इनका। और दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ठंड के दिनों में एक तरफ से पानी चलाया था और एक तरफ से पानी निकालते हुए जो है पानी को गर्म रखा था, इसलिए इनकी मछलियाँ पूरी की पूरी सेफ हैं। आप लोग भी जानते हैं जो है ठंड के दिनों में जो है आपको पानी को चलाना होता है ताकि इसका वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे ना आ पाए। और पंगेसियस मछली को चारे के रूप में जो है आपको फ्लोटिंग फीड ही देना पड़ता है क्योंकि ये जल के ऊपर का जो फ्लोट करता रहता है दाना उसको ही खाना ये पसंद करती है। कई लोगों का मानना है इसमें ज़्यादा खर्च आता है, तो हम किसी वीडियो में जो है IMC और इसका जो है टाइप करके बताएंगे कि किसमें कितना खर्च आता है, उसका पूरा एनालिसिस करके आपको ब्लैक बोर्ड के जरिए हम समझाएँगे नेक्स्ट वीडियो में कि कितना कौन सी मछली में खर्चा आता है और किस मछली में पालन करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम लोग जब मछली पालन करते हैं तो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ही पालन किया जाता है और नियर बाई जो अपना मार्केट होता है वहाँ पे आराम से सेल आउट हो जाए उसी मछली को चूज करके हम लोग पालन करते हैं। तो ये देखिए, ये फीड को जो है आपको वीडियो दिखाने के वास्ते जो है थोड़ा थोड़ा करके डाला जा रहा है और ये अच्छे ढंग से फीड को उठा भी रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसका हार्वेस्टिंग लेके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।